दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त रजनी और आज हम करने वाले हैं बात आप सबके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। देखी होगी आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरास पर हुआ बड़ा खुलासा और सामने आया चौंकाने वाला सच, या यूं कहे कि वो सच जो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बात तो आप जानते ही है कि बीते 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया था और सुशांत के जाने के बाद से कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी और ये खबर सबसे पहले वायरल हुई सुशांत सिंह राजपूत के कॉम्प्लेक्स पर लगे सीसीटीवी कैमरास और वीडियोस को लेकर, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के निधन की आखिरी वीडियो वायरल हुई तो फैंस ने उठाए सवाल कि आखिर उनके घर पर लगे कैमरास की वीडियोस कहाँ हैं, जिस पर खबर ये सामने आई थी कि उनके कैमरास की जो वीडियोस है वो 13 और 14 जून की डिलीट है और 12 जून तक उनके कॉम्प्लेक्स की सारी वीडियोस उसमें शामिल है। इसी के बाद आपको बता दें कि खबर ये भी आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के कॉम्प्लेक्स पर लगाने वाले मालिक ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उनके कॉम्प्लेक्स और उनके फ्लैट और उनके घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं वो खुद उन्होंने खुद लगवाए थे और वो सारे कैमरा चालू कंडीशन में थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 13 और 14 जून की वीडियोस में से गायब हो गई। सवाल ये है कि क्या यहाँ पर जांच कर रही एजेंसी ने झूठ बोला है और 13 और 14 जून की वीडियो को डिलीट किया है, या फिर सवाल ये है कि मालिक जिसने कैमरा लगाए थे सीसीटीवी कैमरा सुशांत सिंह राजपूत के कॉम्प्लेक्स पर लगाए थे, या उसने झूठ बोला है। सवाल कई सारे हैं लेकिन पूरी खबर क्या है देखिए रिपोर्ट। देखी होगी आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर लगे सीसीटीवी पर हुआ बड़ा खुलासा, सामने आया एक बार फिर से चौंकाने वाला सच, फैंस उठा रहे हैं एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज पर सवाल। सवाल ये कि आखिर सीबीआई सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल क्यों नहीं उठा रही? क्या सीबीआई सीसीटीवी फुटेज पर कर रही है अपनी जांच या फिर नहीं? दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हुआ था, जिसके बाद इस मामले पर हुआ था खुलासा। कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस वालों को या फिर और किसी भी शख्स को सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर हादसे के दौरान क्या हुआ और क्या नहीं उसकी वीडियो उनके पास नहीं है। लेकिन अब सीसीटीवी कैमरा कंपनी के ऑनर ने खुलासा किया था। कंपनी ऑनर ने तब कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट में जो भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए थे वो सभी चालू कंडीशन में थे। कंपनी ऑनर ने इस बात का दावा भी किया कि सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट में जितने भी सीसीटीवी फुट कैमरास थे वो पूरी तरह से अच्छे से अपना काम कर रहे थे। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरा कंपनी के ऑनर ने ये भी कहा कि जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था तब भी कैमरे चालू थे, उस वक्त भी कैमरे काम कर रहे थे। ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक और दरवाजा खुला है। बता दें कि इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत केस में कई सारे सवाल उठे थे, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत मामले पर एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट पर लगी सीसीटीवी फुटेज को लेकर, जहां पर एक तरफ सुशांत के निधन के बाद ये बात सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के सीसीटीवी कैमरास खराब थे और यहां पर सिर्फ 13 और 14 जून के ही फुटेज खराब है, बाकी सारी फुटेज 12 तारीख तक की यहां पड़ी है। तो सवाल ये कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को इस तरीके से अपना निधन करने वाला था और ऐसे में कैसे ये हो सकता है कि 13 और 14 जून के ही सीसीटीवी फुटेज खराब हो और उससे पहले कि सीसीटीवी फुटेज खराब ना हो। इसके चलते सवाल ये खड़ा हो रहा है कि या तो यहाँ पर किसी की साजिश थी या फिर सीसीटीवी फुटेज में वीडियो कैप्चर भी हुई तो उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि जहाँ पर जांच के दौरान इस बात का खुलासा किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के सारे सीसीटीवी फुटेज खराब थे, तो सवाल ये है कि अगर सीसीटीवी फुटेज खराब थे तो यहाँ पर कंपनी के ऑनर ने ऐसा क्यों कहा कि सीसीटीवी फुटेज कैमरा उस वक्त भी काम कर रहे थे जिस दिन सुशांत का निधन हुआ था, यानी कि 14 जून को और 13 जून को चालू थे सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के सभी सीसीटीवी कैमरास
और इस बात का दावा करने वाले ऑनर की बात सच तब लगती है जब यहाँ पर सुशांत के निधन के बाद उनकी बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था और अपार्टमेंट के आसपास लगे कैमरे में कुछ पिक्चर्स और वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स काली पन्नी को लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है और बाद में वो पन्नी उसके हाथ से गायब हो जाती है और फिर बाद में वही शख्स सुशांत की बॉडी को एम्बुलेंस में लेके जाता है। कई सारे सवाल आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सीबीआई इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही और क्यों नहीं कर रही खुद से जांच। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर लेकर, सुशांत सिंह राजपूत मामले पर। और इसी के साथ सवाल एक बार फिर से ये खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई सीबीआई की नजर सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीसीटीवी कैमरास पर नहीं पड़ रही, या फिर सवाल ये भी है कि यहाँ पर कुछ सच छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सवाल ये है, जब 12 जून तक कैमरा चल रहे थे तो 13 और 14 जून की आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत के निधन से पहले ही कैमरा खराब हो गए। सवाल ये भी है कि जब ऑनर ने खुद इस बात का दावा किया है कि सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे, चालू कंडीशन में थे, तो उस कैमरा की फुटेज कहाँ है 13 और 14 जून की? आपका क्या कहना है ये जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।